हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी पाठशाला। दिस इज सारिका सिंह। इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ मैं वर्ब और उसके टाइप्स की। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वर्ब का, क्या होती है वर्ब और उसके टाइप्स क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और कॉमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं आपका वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। कोई भी डूइंग वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब कैसा वर्ड होता है? किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में कुछ बता रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। यानी किसी पर्सन या किसी थिंग यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट यानी अवस्था बता रहा है, तो वो भी कैसा शब्द है? आपका वर्ब है। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं कि किसी काम को दर्शाने वाला शब्द क्या होता है? आपका वर्ब होता है, क्रिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अदिति लाव्स। इसमें अदिति लाव्स, अदिति हंसी या हंसती है, तो उसका क्या है? आपका लाफ कैसा शब्द है? आपका क्रिया है। हंसना क्या हो गया? काम हो गया। द बॉयज आर ईटिंग फूड। यहाँ ईटिंग क्या है? आपका वर्ब है, खाना खाना। नेक्स्ट, बॉयज रन क्विकली। ठीक है, यहाँ रन क्या सा वर्ड है? आपका वर्ब है। नैना रीड्स अ बुक। यहाँ रीड्स क्या है? आपका वर्ब है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, दो काइंड्स होते हैं इसके। फर्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? A transitive verb which requires an object after it to complete its sense. Transitive verb क्या होती है? जिस sentence में आपका object require होता है या object की need होती है उसके sense को complete करने के लिए वो क्या होती है? आपकी transitive verb होती है। For example, Rakhi made a doll. Rakhi ने एक गुड़िया बनाई, तो इसमें क्या है? A doll क्या है? आपको object है। इस पूरे sentence को इसका मीनिंग निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अगर मैं सिर्फ इतना कह देती राखी मेड, तो इसमें क्या राखी ने क्या बनाया आपको नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक अपनाते हैं कि जब आप ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना होता है तो आप क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्या कौन कब। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाता है अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाई इट सेल्फ। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव का उल्टा, कि अपनी सेंटेंस को या अपनी बात पूरी करने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ये अपने आप में ही अपना सेंस बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड, आदमी मर गया। ठीक है, नेक्स्ट द सन शाइन्स, तो इसमें क्या है? आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है अपना सेंस या अपना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स के बारे में, जो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं? सेंटेंस के थ्रू पहचानते हैं। विक्रम इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर विक्रम क्या है? एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ये कैसा वर्ब है? इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, दिव्या इज अ गुड कुक, तो यहाँ पे भी इज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो आपके इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या होते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या है? राहुल इज प्लेइंग, राधा इज रीडिंग अ बुक। राहुल इज प्लेइंग में प्लेइंग क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया, और इज कैसा है? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट है राधा इज रीडिंग अ बुक, इसमें रीडिंग क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया, और इज कैसा है? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब जो क्या होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब को हम दो अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है जैसे मॉडल्स, सेकेंड पार्ट है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडल्स क्या होते हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
अभी सिर्फ इसके वर्ड जान लेते हैं कि कौन कौन से शब्द मोडाल्स में आते हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं। जैसे कि मोडाल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एटसेट्रा। ये सब कैसे हैं? मोडाल्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सभी क्या है आपके मोडाल्स होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं? बी, डू, हैव, ये क्या होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के जैसा यूज करते हैं। ये जो मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपको पता ही है, जो मुख्य क्रिया होती है, स्लीपिंग है, वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, नो, ईटिंग, प्लेइंग, टॉकिंग एटसेट्रा। इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके मेन वर्ब्स होते हैं। आई होप आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है वर्ब का, वर्ब में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं या क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल का नाम है अंग्रेजी पाठशाला। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग मी।